भी डिसाइड किया था, आप आ गए। ये जो एग्ज़िबिशन है हमारा, बहुत सालों से सपना रहा इस एग्ज़िबिशन करने का, और अभी अप्रैल में हमारा फर्स्ट शो हुआ था और ये आज हमारा सेकंड शो है। हर साल में दो बार हम शो करेंगे, एक फर्स्ट अप्रैल में और सेकंड सितंबर में। कुछ आगे कहने से पहले मैं अपने चेयरमैन श्री आशीष पेटे जी को चाहूँगा वो दो शब्द कहे, उसके बाद मैं आपको शो के बारे में बताऊँगा। आशीष जी, ओवर टू यू। गुड इवनिंग सभी को एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस प्रेस मीट। जैसे सही मैंने कहा, हमारे जो फाउंडर सब थे उनका ये सपना था कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री का रिप्रेजेंट करते हैं एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री का पूरा होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, कारीगर, अलाइड इंडस्ट्री सबका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री का अपना खुद का एक शो हो, बी टू बी एक्सपो हो, और वो हमारा सपना अप्रैल में जियो में जीजेस होने के साथ पूरा हुआ। और उसी सपने को आगे लेके जाते हुए हम सितंबर में हमारा दिवाली एडिशन लेके आ रहे हैं। और ये शो ऐसा है कि इट इज़ द शो बाय द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री। और हमारा जो काउंसिल है दैट इज़ मोस्ट डेमोक्रेटिक काउंसिल, यहाँ पे हर 200 साल बाद 1/3 नए मेंबर आते हैं। तो जो इंडस्ट्री है उनको भी चांस है कि आगे आके बिकम पार्ट ऑफ जीजेसी एंड दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। आई एम रियली थैंकफुल टू आर कन्वीनर संयम भाई, को कन्वीनर नीलेश भाई एंड द होल जीजेएस कमिटी फॉर पुटिंग अप अ फैबुलस शो, द फर्स्ट एडिशन इन अप्रैल। And this show, it is now in Bombay Exhibition Center, but you will experience the same kind of facilities and the same enthusiasm from exhibitors as well as from the committee and the full of our team led by Mitesh. And I welcome all the industry from across India, all the delegates from across India to please come to Bombay from 22nd to 25th of September at Bombay Exhibition Center. And enjoy this wonderful show called GJS Diwali Edition. Thank you. Thank you, Ashish bhai. You gave a good insight about the show. अभी शो के बारे में मैं सबको बता देता हूँ कि शो जो हो रहा है 22nd से 25th ऑफ सेप्टेम्बर को हो रहा है। मोर देन 400 एग्जिबिटर्स हैं और मोर देन 800 स्टॉल्स हैं। इस एग्जिबिशन से हमारी अपेक्षा है कि 25 से 30 टन सोना और जेम एंड ज्वेलरी बिकेगी दिवाली सीज़न के अंदर, जिसकी वैल्यू 15,000 करोड़ के करीब होगी। हमारे फॉरेन बायर्स इंटरनेशनली मोर देन 100 बायर्स आ रहे हैं, और इंटरनेशनल बायर्स को और एक्सपोर्ट जो हमारे मोदी जी का सपना रहा है, मोर देन 150 करोड़ का बिजनेस एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी होगा। और आने वाले सालों के अंदर आज हमारी एक्सपोर्ट्स 40 बिलियन US डॉलर्स है। जो हमारे शोज़ हर साल होंगे, हमारा कम से कम आने वाले शोज़ के अंदर पूरे साल के अंदर इंडिया के अंदर मोर देन 15 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट्स। ये शो जो आने वाले शोज़ होंगे अप्रैल और सितंबर के आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हमारे इकोनॉमी के अंदर योगदान उनका होगा। मोर देन 9,000 विजिटर्स का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसमें कम से कम 2,000 विजिटर्स और स्पॉट में बढ़ेंगे, तो 11,000 से 12,000 विजिटर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन 4 दिनों के अंदर। ये एक्सेलेंट टाइम है अपनी ज्वेलरी को अपग्रेड करने का, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो ऑन द स्पॉट अपनी ज्वेलरी आके अपने डिज़ाइंस को आके अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड करके अपनी ज्वेलरी खरीद सकते हैं। आने वाले सीज़न के अंदर दिवाली के पहले सबको रिटेलर्स को बाइंग रहती है, नई नए डिज़ाइंस की डिमांड रहती है, और वो सब इस एग्जीबिशन के अंदर आके पूरा कर सकते हैं। 2 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये एग्जीबिशन हो रही है। रोज के रोज जो वाटर का सिस्टम हो, जो खाने का सिस्टम हो, सब कॉम्प्लीमेंट्री जीजेसी प्रोवाइड कर रही है। 2,500 रूम्स जीजेसी ने कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं 5-स्टार होटल्स में स्टे, और मोर देन 1,500 रूम्स और भी हमारे जो विजिटर्स जो आउट स्टेशन है उन्होंने बुक किए। बाकी मुंबई के जो डोमेस्टिक विजिटर्स हैं, मुंबई के और महाराष्ट्र के छोटे आने आजू बाजू के गाँव के सब आ रहे हैं, काफ़ी बसेस लेके आ रहे हैं मुंबई। सो इस तरीके से ये शो हो रहा है। हमने
तीन रोड शोज किए हैं, फॉरेन रोड शोज, एक दुबई में किया है, एक बांग्लादेश किया है, लंदन किया है। तीनों रोड शोज के अंदर हमारे अच्छी डेलीगेशंस आ रहे हैं, बांग्लादेश से, दुबई से और यूके से। सो इन तीनों भी डेलीगेशन आके अच्छा व्यापार करेंगे इस एग्जीबिशन के अंदर। और मैं जीजीसी के बारे में, जैसे आशीष भाई ने बताया, कुछ दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जीजीसी के अंदर 3000 पेड मेंबर्स हैं और इसके अलावा मोर देन 70,000 ज्वेलर्स से हम एसोसिएटेड हैं। मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी काम होता है, चाहे वो फाइनेंशियल कोई लॉ का हो, चाहे वो जीएसटी का लॉ हो, चाहे बाकी लॉज हो, हमारे नितिन भाई हैं, हमारे पास चेयरमैन हमारे आशीष भाई हैं, हमारे चेयरमैन, हमारी पूरी टीम, हमारे मदन भाई हैं जो फाइनेंस संभालते हैं, जो हमारे को कन्वेनर है। नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स हो रहे हैं 23rd नाइट को, नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स के बारे में नीलेश भाई बताएंगे, लेकिन इंडस्ट्री के हर टॉप जो पर्सन है, जो व्यापारी है, उसको हम ऑनर करते हैं उसके काम के लिए। सनी ढोलकिया जी हैं जो डायमंड के बड़ा काम करते हैं, ढोलकिया श्रीकुंज से, कलकत्ता से, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना व्यापार भी संभालने के साथ साथ पूरा समय जेमिन ज्वेलरी को दिया है, हमारी इंडस्ट्री को। और वर्धमान कोठारी जी जो जबलपुर से आए हैं, वो भी विजिटर्स का जो पूरा काम है नितिन भाई के अंडर उन्होंने काम किया। राजेश रोकड़े जी अभी नहीं है यहाँ, वो लंदन डेलीगेशन से अभी आ रहे हैं। हमारे साहिल भाई हुए, अशोक मीनावाला हमारे पास चेयरमैन हुए, सब लोगों ने, जो हर सिटी स्टेट से लोगों ने यहाँ पर इस एग्जीबिशन के अंदर काम किया है। और जैसे घर का एक इवेंट होता है, उसी इवेंट की तरह इस तरीके से काम किया गया है। सो मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ सबको, हमारी फिर से कहता हूँ एक बार, मेरी एक बात रह गई, दो इवेंट होने वाले हैं। 22nd रात को ग्रैंड हयात में हमारे ब्राइडल ट्रेंड सेटर्स अवार्ड्स होंगे और नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स 23 तारीख को जियो सेंटर में होंगे, जहाँ फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, सेम जगह पर नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स होगा, उतने ही बजट्स के साथ, उतने ही स्टार स्टडेड और उतने ही तरीके से होगा। नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स जियो सेंटर मुंबई 23 सितंबर को। सो एक मैं सहम भाई ख़त्म करने के पहले इसका जो टाइमिंग की बात उन्होंने की, मैं उसको एक बार दोहराना चाहूँगा कि जीएससी ने ये सोच के ही हमने हमारे दो शो डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि जनरली पूरे साल भर में जो बाइंग होता है वो दो सीज़न में होता है, एक तो अक्षय तृतीया के आसपास जहाँ पे मेन वेडिंग सीज़न आता है, और दूसरा आता है दशहरा और दिवाली के आसपास। तो दोनों सीज़न के 15-20 दिन पहले हमने ये शोज़ अनाउंस किए हैं, ताकि दो तरह की डिमांड रिटेलर्स की होती है, कि एक जो उनको तुरंत ख़रीदारी करनी होती है और आगे एक महीने के बाद की शॉपिंग करनी होती है, तो दोनों के लिए ये शो का टाइमिंग परफेक्ट है। जिसको दशहरे के लिए तैयारी करनी है वो रेडी माल छाट के उनको कुरियर से माल पहुंच सकता है तुरंत, और जिसको दिवाली की तैयारी करनी है वो भी अपना प्लानिंग ऑर्डर देके काम कर सकता है, और सिमिलरली अप्रैल शो में भी यही वर्किंग से वो काम कर सकते हैं। तो हमने पूरा फीडबैक लेके रिटेलर से बात करके हमारा शेड्यूलिंग हमने किया है, तो ये दोनों हमारे शोज़ की डेट की उसके पीछे की हमारी है मंशा। थैंक यू। हमारे शो में मैं अभी आपको एक थोड़े आंकड़े और दे दूँ, 21 कंपनीज है एलाइड सेक्शन मशीनरी की, 27 स्टॉल्स। गोल्ड के अंदर 258 कंपनीज है, 554 स्टॉल्स। डायमंड के अंदर 100 कंपनीज है, 180 स्टॉल्स। और स्टडेड डायमंड एंड स्टडेड में, लूज स्टोन्स में जो जयपुर के होते हैं उसमें 50 स्टॉल्स। यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं एक ही रूफ के अंदर आकर एक रिटेलर अपना B2B शो के अंदर पूरी जेमिन ज्वेलरी भर सकता है। ओवर टू यू नीलेश भाई, हमारे को कन्वेनर और जो नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स के कन्वेनर, ओवर टू यू। उसके बाद हमारे पास चेयरमैन नितिन भाई भी बताएंगे। जैसे कि हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने बताया कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसी ड्रीम प्रोजेक्ट को सक्सेस किया आपने देखा ये अप्रैल में। और इसकी जो टैगलाइन है, हमारा अपना शो, ये हमारा अपना शो सिर्फ टैगलाइन नहीं है, इसको हमने वाकई में हमारा अपना शो बनाया है। और इसी को हमारा अपना शो बनाने के लिए, जैसे कि जो भी जो फीलिंग होमली होती है, जो एग्जिबिटर फेस कर रहे थे इश्यूज़, उनसे ये जाना है हमने, और इसको पूरा हमने फील्ड पे उसको लेके कंप्लीट किया हुआ है। जैसे कि सबसे बड़ी इश्यू होती थी पानी की, सेकंड इश्यू होती थी फूड की, तो ये दोनों भी हमने सॉल्व किया है। और थर्डली, अच्छे बायर्स जब आते थे तो उनकी रूम्स की भी इश्यू होती थी, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में ऐसे होता था कि जब भी एग्जीबिशन होते थे कि होटल के रूम्स जो 7-8 हज़ार में मिलते थे वो शूटअप हो जाते थे 20-25 हज़ार की रेंज में।
तो ये भी जैसे हमारे कन्वेनर साहब ने बताया कि हमने 2000-3000 जो होस्टेड बायर्स लिए हैं तो वो भी हमने एक रिटर्न बैक दिया इंडस्ट्री को। तो इस तरह ये सारा हम कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा अपना शो को जो टैगलाइन किया उसमें बना के कंप्लीट किया है। अभी आता हूँ मैं नेशनल ज्वेलरी अवार्ड। नेशनल ज्वेलरी अवार्ड भी जैसे फिल्म फेयर अवार्ड है उसी तरह इंडस्ट्री का अपना एक नेशनल ज्वेलरी अवार्ड है। इसमें हमने हर एक का केयर किया हुआ है, राइट फ्रॉम आर्टिसन से लेके जो CSR के जो एक्सपेंस करते हैं, तो इसमें हर एक को लिया है। इसमें बेस्ट CSR अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट आर्टिसन को अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट ज्वेलरी को अवार्ड दिया जाता है, और जो इंडस्ट्री के लिए जो सेवा देते हैं, जैसे कि चार जोन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसी तरह जेम ऑफ द ईयर चार जोन को भी हम देते हैं, और अनमोल रत्न करके भी एक अवार्ड है जो इनके ऊपर है, जो इंडस्ट्री के लिए वाकई में इंडस्ट्री हो गया, अपने समाज हो गया, अपना एरिया हो गया, ऐसे जो सेवा में देते हैं। तो इस तरह वो अवार्ड नाइट हमारा होता है एवरी ईयर। थैंक यू। तो अभी मैं चाहूँगा हमारे पास चेयरमैन जो अकोला से है, छोटे से छोटे गांव से भी हमारा गांव, तो फोर टायर सिटी से भी हमारा योगदान है GJC के अंदर। तो नितिन भाई, हम चाहते हैं, और फोर टायर सिटी में होने के बावजूद सबसे बड़ा शोरूम इंडिया के अंदर या सॉरी महाराष्ट्र के अंदर जो है आज भी इन्हीं का है। 6-story शोरूम, 4 showrooms हैं इनके, और बहुत अच्छा विजन जो एक बड़े सिटी के अंदर रहने के बावजूद हम लोगों के अंदर नहीं है। अकोला में रहने के बावजूद एक ऐसा विजन है इनका जो आज के तारीख में मान लो अडानी या मनी के सोच भी नहीं हो, उसके बड़ी सोच इनकी है। ये मैं बोल रहा हूँ, वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया मेन सिटी में आने का, लेकिन सोच वैसी है, अभी आपको बात करके पता लगेगा। नहीं, सभी चीज़ें सभी लोगों ने बता दिया, मैं सबका स्वागत करता हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। इन्होंने एग्जीबिशन के नेशनल ज्वेलरी अवार्ड के बारे में बताया। अभी भी हम लोग चेयरमैन और अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करके आए, जितने इंडस्ट्री के इश्यूज़ है उसको लेके गवर्नमेंट को और कैसे प्रोड्यूस करें। लास्ट वीक ही हम तीनों चारों लोग जाके और निर्मला सीतारामन जी से मिल के आए, करीब 22 मिनट हमारी मीटिंग हुई, उसके पहले भी मीटिंग हुई थी। तो इंडस्ट्री की जो इश्यूज़ है, चाहे वो होल मार्किंग में हो, चाहे PMLA के अंदर हो, या फिर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ में कैसे लोगों को रियायत मिलता है, HUID, होल मार्किंग, और हमने आज अभी क्लियर किया, जो एक मीटिंग थी वो सेमी मतलब जो गवर्नमेंट के टच में रहते ऐसे बॉडी के साथ थी, हमने ये क्लियर किया कि जितने इश्यूज़ हमने आपके सामने रखे इसमें हमारा कुछ नहीं अड़ता है, क्योंकि हम सब ऑर्गेनाइज प्लेयर है, फाइनेंस भी अरेंज हो जाता, कस्टमर भी अरेंज हो जाता, सोशल मीडिया से भी हम लोग वेट कनेक्टेड है। लेकिन हम जो ऑल इंडिया जेमेन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल में काम करते हैं, जो 70-80% लोग मीडियम और स्मॉल है, उनको कैसे अपलिट करते हैं, उनको बिजनेस में कैसे सस्टेन करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में कैसे टिके, ऑथेंटिकल बिजनेस के क्या फ़ायदे होते हैं। अभी हमने 135 एपिसोड लाभम के पूरे किए। लाभम एक हमारा एक ऐसा एपिसोड है जिसके अंदर हम जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में रहता है, और आसपास के 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इकट्ठा करके उनको ज्वेलरी इंडस्ट्री के कंप्लायंसेस, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, क्या नया कायदा आया, इससे कैसे अपने आप को अपग्रेड करें, और उसका कायदे का इम्प्लीमेंट करके बिजनेस में कैसे तरक्की करे, चाहे वो लेबर की पेमेंट हो वो कैसे अच्छी रखी जा सकती है, जो हमारे कारागिर है, हमारा जो स्टाफ है, उनके क्या हक और अधिकार है, जो हमारे ज्वेलर्स कहीं चूक जाते देने के अंदर, वो उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बजाय हम हमारी तरक्की करें, जो हमारे साथ में जो लोग हैं जिनके भरोसे हम इतने ऊंचे पायदान पे पहुँचे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे कारागिर है, हमारे स्टाफ है, हमारे एम्प्लॉई है, तो इन लोगों की जो डिमांड है, उन लोगों की जो हक है, वो कैसे आपने उनको देना चाहिए, वो हम ओनर्स को समझाते और उनको बताते कि ये देने से आपका कितनी तरक्की हो सकती और उसका भी भला हो सकता है। तो टू कट शॉर्ट, प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड प्रोग्रेसिंग जो हमारी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की थीम है, उसके ऊपर हम पूरी टीम उसके अंदर हम रात दिन काम कर रही है, और हमको उसमें सक्सेस भी मिल रहा है, और प्राउडली कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के सारे मीटिंग में हमको बुलाया जाता है। अभी 27 को फिर हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नॉर्थ ब्लॉक में बुलाया गया है, तो जितनी समस्या हम पिछले टाइम डिस्कस करके आए थे उन्होंने उसकी स्टडी किया, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमने दिया, और उस रिप्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करके हम फिर से गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो इस इंडस्ट्री का 7-8% GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है, 15% टोटल एक्सपोर्ट के अंदर है,
एक करोड़ लोगों को डायरेक्ट रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, एक करोड़ को। उसमें हमारे कारागिर आ गए, हम सेल्समैन आ गए, हम शॉपकीपर्स आ गए, हमारे कुरियर सर्विस आ गए, सॉफ्टवेयर सर्विस आ गई, हमको प्रोवाइड करने वाले मशीनरी इक्विपमेंट जो सप्लाई करते हैं, और 5 करोड़ डिपेंडेंट है इस इंडस्ट्री के ऊपर। और सबसे प्राउड की बात है कि 65% वुमन एम्प्लॉयमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो गवर्नमेंट को हमने ये अंडरस्टैंडिंग कराई कि ये इंडस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंट है, और ये सारा बताते समय गवर्नमेंट हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से सुनती है, समझती है, और हर बार जो कायदे आते हैं उसमें हमारे को साथ में लेके डिफ़िकल्टी सॉल्व भी करती है। थैंक यू। थैंक यू। ये मदन भाई को भी दो शब्द बोलने थे। अभी इधर है मैं कंप्लीट करके विजय भाई बताइए कुछ। सभी ने सब कुछ बता दिया। आज हम यहाँ पे बैठे हैं GJS की तैयारी को लेकर के। ये दिवाली एडिशन है। GJC जब से फाउंड हुआ, जब से इसका एक ये था कि हमें एक ऐसा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए एग्जीबिशन करना है, और उसका आज ये सेकेंड एडिशन होने जा रहा है जो 22 तारीख से चालू हो रहा है। और इस एडिशन में जैसा कि आपको पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 11,000 से 12,000 विजिटर अक्रॉस द कंट्री रहेंगे, और इसमें जो GJS कमेटी करना चाह रही है वो ये करना चाह रही है कि जो होस्टेड बायर्स हैं, जो अच्छे बायर्स हैं, उनको भी कोशिश करके चुन करके स्पेशली बुला करके, ताकि जो एग्जीबिटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनका कैसे अधिक से अधिक बेनिफिट हो। मैं खुद जबलपुर से एज अ रिटेलर हूँ, और फाउंडर मेम्बर GJC का होने के नाते जो भी मैं वहाँ पर अपने क्षेत्र में, ऐसे ही मेरे जैसे जितने भी ZCMs और मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। तो जितनी पकड़ GJC की पूरे हिंदुस्तान में है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ऐसा कोई काउंसिल हिंदुस्तान में है नहीं, और उसी के चलते आज इस GJS को हम एक सक्सेस की मोड पे ले जा रहे हैं। और आगे जो हम हर साल 2 एडिशन करेंगे, इसमें सक्सेस की हम नई इमारत छुएंगे, ये बात पक्की है। थैंक यू पुटारी। हमारे मदन कोठारी जी जो हमारे फाइनेंस हेड हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मदन भाई हेल्प कर दे। हमारे सभी जेम्स, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स, कारीगर, एलाइट्स, जैसे सॉफ्टवेयर, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, पैकिंग मटेरियल के जितने भी जेम्स हैं, उन सभी जेम्स को मैं निमंत्रित करता हूँ कि आप सभी जेम्स इस प्रदर्शनी में आकर एक अखंड भारत जड़ित बनाए, और GJC का ये सपना जो है उसे पूरा करें। थैंक यू, धन्यवाद। सनी भाई कोई बोल दो यार। नहीं भाई, थैंक यू। चलो अभी जो भाव है सोने का उसके बारे में बता देते हैं। काफ़ी गिरावट होने के वजह से 4 से 7 दिनों के अंदर रिटेल एंड में कंज्यूमर के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। श्राद्ध होने के बावजूद लोग अपना माल बुक करा रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, और नवरात्रि के फर्स्ट डे में पिकअप करने की बात कर रहे हैं। इस वजह से ये एग्जीबिशन एक बहुत चरम सीमा पर रहेगी। कम से कम 9 जितने विजिटर आएंगे उनकी परचेज पावर जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे लेवल पर रहेगी। और मुझे लगता है कि ये आंकड़े जो आने वाले दिनों के अंदर दिखेंगे, पिछले सालों से ये महीने के अंदर 10 से 15% बिजनेस जो पिछले साल हुआ ये महीने में, और ये आज अभी महीने में हो रहा है, उसमें 10 से 15% व्यापार बढ़ेगा, ये मेरी सोच है। और मैं आप सब लोगों को थैंक करता हूँ। आशीष भाई आपको कुछ क्लोजिंग वर्ड्स कहने हैं? सबसे धन्यवाद। अभी मैं आप सबसे चाहता हूँ कि जो एंट्री है हमारी हॉल नंबर 3 और 2 से, हमारा पूरा वो एंट्री बन गई है, एंट्री के बाद स्टॉल्स बन गए हैं, हम सब बाहर जाएंगे एक साथ, वहाँ से वॉक थ्रू लेंगे, आप लोग वीडियोस निकाल लेना। जो जो अभी आज हमारा डे है, कल लास्ट डे है पूरे स्टॉल बनने का, लेकिन कल हमारे एग्जीबिटर आके अपना ज्वेलरी रखेंगे, इसीलिए कल आप लोग आएंगे तो यहाँ रिस्क का सेक्टर हो जाता है, इसलिए मैंने आज आपको 4 बजे बुलाया है। आप सब चीज़ें अपनी वीडियो ले लीजिए जैसे स्टॉल बन रहे हैं, एक अच्छी वीडियो हमारे स्वर वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, विवेक जी बैठे हुए हैं, एक अच्छी वीडियो जो बने इसके अंदर हमारा भी सब डालें उसके अंदर, और पूरा एक वीडियो लेके हमारे हर जगह बताएं लोगों को कि किस लेवल से एग्जीबिशन चल रही है, किस तरीके से चल रही है, 418 लोग आ रहे हैं, 800 स्टॉल्स हो रहे हैं, वो सब चीज़ें उसमें प्रोत्साहित करें। और एक वीडियो लेकर भी पूरी एग्जीबिशन को आप देखें कि किस तरीके से चल रही है, और एक वीडियो बना के भी अपने मीडिया में और अपनी जगह पर इसको घुमाएं। कुछ क्वेश्चन?
नहीं, मैं फिर से 9000 विजिटर है, एक भी एक्स विजिटर को फ्री में पास नहीं दिया गया है, 1500 रुपये का पास दिया गया हर विजिटर को, किसी भी विजिटर को फ्री पास नहीं मिला है, सब अपनी इच्छा से आ रहे हैं। सो किसी को भी विजिटर को फ्री पास नहीं दिया गया है। कल से विजिटर पासेस 3500 के हो जाएंगे, उसमें भी 1500 विजिटर आएंगे, क्योंकि कल लास्ट हमारी एग्जीबिशन में अप्रैल में 3500 रुपये होने के बावजूद 1500 विजिटर आए थे अप्रैल में, और यहाँ पर भी आएंगे। तो हमने किसी को फोर्स नहीं किया है, कोई एंड कंज्यूमर अलाउड नहीं है किसी के, ओनली B2B, मतलब जिसका शोरूम है, जिसके पास GST सर्टिफिकेट है वही अलाउड है। यहाँ सेल अलाउड नहीं है एग्जीबिशन में, माल बुकिंग कर लो आपके दुकान में माल पहुँचेगा, इसमें सेल अलाउड नहीं है। अच्छा, फ्री जैसा कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मगर वो है हॉस्पिटैलिटी, अपना खाना और पीने का पानी। मीडिया के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है 22 से 25 तक, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि कुछ ज्वेलरी मत बाय कीजिएगा, सिर्फ दूर दूर से देखिएगा और उसको निहार के वेरी गुड कहिएगा, और उसके अच्छे फोटोज भेजिए, अच्छा फोटोज भेजिए सबको। नहीं, पर एक प्रॉमिस उनको दो कि हाँ, राकेश जी सवाल पूछो ना। हाँ सॉरी, यहाँ के रेट में उनको ज्वेलरी मिले। हाँ, यहाँ के रेट पे। मैं बोलूँ इसका जवाब, आप देना चाहते एक मिनट, ये जरा वहाँ पे आप लीजिए इसके, हमारे पास जवाब ऑलरेडी बहुत सही है। आपने तो और एक जो एग्जीबिशन मिस कर दिया, कुटीर भी हुआ दिल्ली के अंदर तो ये बताता है कि सबसे बेस्ट टाइम है कि सारी दुनिया इसी समय कर रही है, जैसे एक साथ दिवाली मनाते हैं सारा करते हैं, क्योंकि यहाँ से नवरात्रा की शुरुआत होती है, तो श्राद्ध पक्ष के अंदर ही होता है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे जानकार है इसके अंदर, ये जितने भी शो हो रहे हैं उनके हो रहे स्टेट लेवल के, जिनके पास में वेन्यू का अधिकार रहता है कि कब आगे पीछे करे। हम लोगों के पास में लिमिटेशन है कि या तो हम तो जियो में कर सकते या निस्को में कर सकते, यहाँ जो अवेलेबल डेट है उसी में करना होता है। हमने सारे एग्जीबिटर के साथ बात करी है और धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये जो शो है उसके हिसाब से सब अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। और 3 लाख ज्वेलर्स है, उनको भी बिजनेस अच्छा मिला। आपके जानकारी के बता देता, जो एग्जीबिशंस है उनको हमने हमारा लोगो यूज़ करने का दिया, उनको ये बोला कि जो एग्जीबिटर हमारा यहाँ से वहाँ जाएगा उस एग्जीबिटर्स को हम ये कंसिडर करेंगे कि वो हमारे एग्जीबिटर्स है करके चेन्नई के अंदर, और उसको हम अगले साल वही रिस्पेक्ट देंगे जो वहाँ पे जाने के बाद में भी दिया। अच्छा, जिन लोगों ने यहाँ से पार्ट लेके उनको पोटेंशियल ज़्यादा लगा, उन लोगों को हमने रिफंड भी दिया सिर्फ चेन्नई एग्जीबिशन के लिए भी। तो हमने उनके साथ कोऑपरेशन ऐसे ही रखा, एक नेशनल बॉडी है, तो ऐसा बोलते कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ किंग बिहेव लाइक अ किंग, तो हमने एक हमारी एक जो नेशनल बॉडी है उसका कर्तव्य पूरी तरह से निभाया इसमें। और आप जो कह रहे हैं कि एक ही डेट में 4-5 एग्जीबिशन होना टाइमिंग के हिसाब से हुआ है, अगले साल से हम सबसे बात करके ये क्लैश होता है वो अवॉइड करने का ट्राई करेंगे। भाई जो आप तो इतना बड़ी संस्था चलाते हैं, विजय पीछे एक बड़ी संस्था है, दो बड़ी संस्था मेरा मानना है, जैसे पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, वो आप बोल रहे अभी वो स्टेट लेवल पे, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको आपने बोला बांग्लादेश UAE हम लोग का वहाँ पे जाके रोड शो किए, तो आपका तो लेवल जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इंटरनेशनल लेवल, तो फिर ये जो छोटे छोटे मतलब ये जो स्टेट लेवल के शो रहे हैं तो उनको आप ऐसा सभी ये जो आपके इस साल क्या हुआ है, लास्ट 2 साल में फिजिकल शोज नहीं हो पा रहे थे अपना कोविड के हिसाब से, तो इस साल में बहुत सारे लोगों को इसी साल में शो करने थे, इसलिए सबको डेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। हमने पुणे से भी बात किया था लेकिन उनको भी डेट चेंज करने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए इस साल जो आपको दिख रहा है सिर्फ इस साल होगा, अगले साल से सभी एक दूसरे से बात करके शेड्यूलिंग कर लेंगे। मुझे कम्युनिकेशन भी ऐसा किया, मैं अकोला से आता हूँ, हमारा महाराष्ट्र की ज्वेलरी पुणे में मिलती है, तो मैंने 2 स्टाफ वहाँ भी भिजवाया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट वो भी है जो यहाँ पूरी नहीं होने वाली है, और यहाँ की रिक्वायरमेंट वहाँ पूरी नहीं होने वाली है, और हमने उनको भी पूरा कोऑपरेशन दिया है, हमने उनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं करी है। आपके बारे में जो विजन बताया कि अडानी अंबानी से भी नहीं, वो तो थोड़ा सा बढ़ा के बोलते थे वो सोच उससे ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, GJC जो है वो अपना एक काउंसिल है डोमेस्टिक के लिए और एक एक्सपोर्ट काउंसिल है, 2 काउंसिल्स हैं।
आज जीजेसी जितना भी रेवेन्यू अक्यूमुलेट करती है वो रेवेन्यू पूरा का पूरा अपने मेंबर्स के ऊपर खर्चा हो जाता है इंडस्ट्री के ऊपर ईयरली। हम जब 150 लाभम करते हैं, हर लाभम के ऊपर 2-3 लाख रुपए का खर्चा होता है, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स, जीएसटी, लॉ, क्या क्या लॉ बनेगा, कैसे होगा। अच्छा, मिनिस्ट्री के अंदर भी अगर कोई नया लॉ आता है, जो अभी जीएसटी के अंदर कुछ आ रहे हैं, कुछ इनकम टैक्स के अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर भी मिनिस्ट्री जब हमसे बात करती है तब हम इतने इंटेलिजेंट नहीं, हम तो भाई ज्वेलर है। हमारा जो लॉयर है वो भी अच्छे एक्सपेंस लेता है इसके अंदर, जब हमको रिपोर्ट्स बनाता है, प्रेजेंटेशंस बनाता है। तो जो हमारे जो खर्चे हैं वो इंडस्ट्री के ऊपर ही हो रहे हैं, मिनिस्ट्री के ऊपर साथ जो वार्तालाप है उसके अंदर सोच बनाने में हो रहे हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर किसी स्टेट के ज्वेलर को आती है तो जीजेसी तत्पर खड़ी रहती है। तो जो जो ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना हमने प्रॉफिट किया है, ना हम लॉ के अंदर प्रॉफिट कर सकते हैं। जो भी रेवेन्यू आएगा वही, अभी तक 17 साल से जितना प्रॉफिट आया है वही साल राकेश भाई खर्चा हुआ है, अगले साल नहीं हुआ है, वही साल हुआ है। 32,000 लोगों को खाना खिलाया है, हम एहसान नहीं कर रहे उन पे। हमने एक ट्रेडिशन नया बनाया है कि एक तरफ से पैसा लिया एग्जीबिटर से और जो आने वाले लोगों को, वो एग्जीबिटर के जितने स्टाफ है उनको भी हमने पूरा फैसिलिटी दिया। आज से 4 साल पहले 3 साल पहले पीएम मोदी जी फर्स्ट टाइम जेनमैन ज्वेलरी के अंदर जब आए थे बात करने, तब नितिन जी उस वेन्यू के कन्वेनर थे, इवेंट के नितिन जी उस इवेंट के कन्वेनर थे जब मोदी जी फर्स्ट टाइम हमारे साथ बात की थी। और अभी जब 7 दिन पहले आशीष भाई ने हमको लीड किया एफएम के साथ बात करने के अंदर, जितनी इंटेलिजेंट लेडी उसके साथ बात करके जीएसटी, गोल्ड मोनेटाइजेशन और सबके बारे में बात हुई। लास्ट हमारा जो अप्रैल का इवेंट हुआ था तब रेल मंत्री दानवे साहब जी आए थे और जो नितिन गडकरी जी आए थे, दो जन हमारे सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर आए थे हमारे शो का उद्घाटन करने। और इस टाइम भी एक अच्छे मिनिस्टर आएंगे, लेकिन उसका नाम मैं परसों रात को डिक्लेयर करेंगे हम कि कौन आने वाले हैं, एक अच्छे लेवल के मिनिस्टर होंगे जो भी इस इवेंट में आएंगे। अरे आज भी अगर आप दुबई जाएंगे ना तो बड़े बड़े सेटअप देखेंगे या जो भी ज्वेलरी देखेंगे वो इंडिया की बनी हुई है। एक मिनट, यहाँ पर कम से कम 100 स्टॉल ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। फॉरेन मार्केट्स में कोई भी माल जो बन रहा है, जो मशीन्स हैं जो इटली, टर्की, स्विट्ज़रलैंड से आती हैं, जितने यहाँ पर आपको स्टॉल दिख रहे हैं सब उन्हीं के पास हैं। हम ऑलरेडी 40 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन मार्केट्स में। हमें पीएम ने 80 बिलियन का टारगेट दिया अगले 3 साल में। अगर फॉरेन 100-150 बायर जाएंगे डोमेस्टिक की फैक्ट्रियों की सेल बढ़ेगी ना। अब भी कंफर्मेशन आया 15 मिनट पहले, अभी टीम को भी नहीं पता है कि नेपाल से 18 लोगों का डेलीगेशन आ रहा करके, वो बात चल रही थी 18 लोगों का, अब भी फाइनल हुआ 18 लोग आ रहे हैं नेपाल से बायर। और आज जब भी लोग बोलते हैं ना दुबई के अंदर, और एक बहुत बढ़िया माल है, सब माल बना है मुंबई में, कलकत्ता, राजकोट, कोयम्बटूर, और कहीं से नहीं जाता है माल, यहाँ से ही जाता है। आज इटालियन ज्वेलरी जो इटली में बन रही थी ना, सारी की सारी इटालियन ज्वेलरी मुंबई में बन रही है, और इटली की ज्वेलरी मुंबई से बनती है और जाती है दुबई में। तो आप लोगों को अगर कोई ज्वेलरी देखनी होगी इटालियन, तो भी मैं आपको कल यहाँ दिखा दूँगा। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर एक्सपोर्ट होता है तो एडिशनल बिजनेस उनको मिलता है, एडिशनल सपोर्ट मिलता है। हमने लेटर लिखी है मिनिस्ट्री में भी, आने वाले सालों में जो हमारे पीएम का टारगेट है, हम 15 बिलियन का जो एक्सपोर्ट टारगेट्स के हिसाब से आने वाले सालों में उतना रेवेन्यू जीजेसी के थ्रू हम मिनिस्ट्री में देंगे, मतलब जो सोच टारगेट है। और दूसरी बात, तो हमारा आरोप एक्सपोर्ट सीट, हमारी एक सीट एक्सपोर्ट के लिए जीजेसी के अंदर रहेगी। आरोप में पर्सन अभी एजीएम होगा, एजीएम में पास होगा, एक सीट जो हमारे 20 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स के अंदर पूरे हमारे हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं, एक सीट रहेगी एक्सपोर्ट के लिए और एक सीट रहेगी लैब ग्रोन डायमंड के लिए। सो ये 2 सीट्स हम ऐड कर रहे हैं हमारे बोर्ड के अंदर, अगले ये साल जनवरी से ऐड होंगी ये सीट्स। एजीएम ये महीने के एंड में एजीएम है 29th को, उसके अंदर हम ये पास करेंगे। हमने ऑलरेडी प्रस्ताव डाल दिया है, 99% ये पास हो जाएंगे। और किसी का कोई सवाल आपका था ना?
रीजनेबल है। आगे भविष्य में क्या लगता है कहां तक रहेंगे कि आपके शो के बाद या जो शो में कोई बोलना चाहेंगे अभी मैं बोलूँ? सोना डॉलर टर्म के अंदर बात अलग होगी और इंडियन करेंसी जो है वो अलग होगी। तो ये 2075 का जो डॉलर टर्म के अंदर गोल्ड हुआ था वहाँ तक के जाने का फिर से अनुमान है उसके अंदर। और कल मैं और चेयरमैन कल एक सर्वे हम साथ में रह के पढ़ रहे थे कि LME के अंदर लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर जो रेट फाइनल करती है वर्ल्ड की, सिल्वर उनके पास केवल एक साल की बची है। और अभी कॉपर माइन के अंदर गोल्ड सिल्वर इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द कॉपर, तो कॉपर माइन में स्ट्राइक चल रही है। ये सारा सब देखते हुए दोनों चीज़ों के अंदर भयंकर तेजी आगे मान के चल रही है कि इंडिया में 60,000 रुपये सोने का भाव और चांदी का जो भाव है 1,00,000 रुपये के आसपास जाने का और सेल बढ़ने का पूरा चांस है। इंटरनेशनल मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता, थोड़ा सा डाइवर्ट करके। इस पेंडेमिक के अंदर होने के बाद में लोगों के समझ में आ गया गोल्ड का इम्पोर्टेंट क्या है। यूक्रेन से 125 करोड़ लोगों ने देश छोड़ा और वो 125 करोड़ लोग जो गए उनके पास में कपड़े लगते थे, बैंक बैलेंस था, डेबिट क्रेडिट कार्ड थे, प्रॉपर्टी थी, डिबेंचर्स थे, सारा था, सबका सब जीरो हो गया। क्योंकि आज यूक्रेन की करेंसी 10% में भी कोई लेता नहीं, 10 रुपये स्क्वायर फीट में कोई जमीन लेता नहीं। जो लोग वहाँ से निकले उनको एक ही चीज़ काम आई हुआ है, सोना चांदी डायमंड हीरा मोती। क्योंकि डॉलर भी दम तोड़ देता 50 कंट्री के ऊपर, यूरो तोड़ देता 65 कंट्री के बाद में, रुपीज़ अपना 12 कंट्री के आगे नहीं चलता। जिस ट्रेड में हम है वो 200 कंट्री के अंदर इनकैश होता है, ETM है, 24 घंटे चलता, वर्ल्ड की सारे कंट्री के अंदर एक्सेप्ट होता और उसके लिए कोई वर्किंग आवर्स नहीं लगते, कुछ नहीं लगते। तो लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि शादी में जो भी खर्चा होता है वो बैंड पे हो, फटाके पे हो, डेकोरेशन पे हो, चाहे वो म्यूज़िक सिस्टम पे हो, खाने पे हो, कोई चीज़ रिटर्न नहीं आने वाली, सब क्षण भंगुर है, 2 घंटे के बाद सब भूल जाएंगे और उसके बाद में चलेगा तो केवल सोना चांदी। तो अभी जो रिसेशन की भी बात चल रही वर्ल्ड वाइड, मैं पूरे इंडिया के ज्वेलर्स को बोल रहा हूँ कि इंडिया में कोई रिसेशन नहीं आएगा। दुल्ला घोड़ी पे नहीं चढ़ता जब तक ये 10 तोले सोना नहीं आएगा जो ठहरे हुआ है, वो कपड़े बगैर ज्वेलरी नहीं वो नहीं होंगी, चप्पल बगैर शादी नहीं होंगी। तो ये मूवमेंट जो इंडिया के अंदर जो कल्चर है, अपने जो त्यौहार है, चाहे कोई भी समाज के हो, उसकी वजह से जो मोमेंटम आता है तो इंडिया में कोई रिसेशन आने वाला नहीं है और ज़ोरों से धंधा होने वाला है। अच्छा, अगर आप राकेश जी एक्चुअल फिगर्स में अगर जाना चाहें, प्लस माइनस देखो, हम ऐसे तो कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता सकता, लेकिन सोना अगर अभी 1676 US पर आउंस है, 1660 डॉलर से नीचे की मंदी नहीं है, 49,250 MCX है, 48,500 है, 48,700 के नीचे की मंदी नहीं है, ऊपर में भाव 50,500 से लेके 51,500 तक दिवाली तक जाएगा, और कॉमेक्स के अंदर जो इंटरनेशनल रेट्स हैं वो 1750 से 1760 डॉलर तक जाएंगे हर साल इंटरनेशनल मार्केट में। पता है कि अभी श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध 25 तारीख तक के भाव दबा रहेगा, नवरात्रे आते ही धीरे 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 भाव डर के आज से 2 लाख रुपये किलो के हिसाब से सोना बढ़ सकता है। 100% जाएगा ही, इतना जाएगा ही। चलो थैंक यू। अभी आप लोग सब थोड़ा सा ब्रेक कुछ अगर करना चाहते हैं, फिर सब मेरे साथ एंट्री पे जाएंगे, पूरा मैं आपको एग्जीबिशन खुद दिखाऊंगा। सब मेरे साथ चलिए, पहले स्नैक्स लेने के बाद दारू ऐसा ही कर दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे विवेक, तूने फोटो ही नहीं ली? ये विजिटर एरिया है, जो विजिटर रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ होंगी। आप लोग सब लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री पास है अपने एज मीडिया, आप लोग अपने पासेज यहाँ बना सकते हैं, अपना पासेज बना के यहाँ पर जो हमारे विजिटर्स और एग्जिबिटर्स को एक कार पार्किंग मिलेगी सिर्फ, उनकी कार पार्किंग 2000 गाड़ियों की पार्किंग है सामने ऑलरेडी हॉल नंबर 601। इधर से वॉक थ्रू आपने किया तो हॉल नंबर 2 का आपने देखा, आप लोगों ने हॉल 2 आधा एग्जीबिशन भी, 1/4 एग्जीबिशन भी नहीं है, जो हॉल नंबर 3 है वो हॉल बहुत बड़ा है हॉल नंबर 2 से। तो अभी ये मैं आपको एरिया यहाँ से, अभी आप मेरे वॉक थ्रू होने के बाद आप लोग सब यहाँ पर आ जाइएगा। और टीम में से ये रुचि है, ये इससे आप अपने पासेस बनवा लीजिएगा। सेंटर